अच्छे होंगे और आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा और साथ में हर वीडियो के साथ में आपका रिवीजन परफेक्ट होता जाएगा। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में आपको, और कुछ भी बहुत ज्यादा याद करने का नहीं है। शुरुआत की क्लास में थोड़ा सा देखने का है और फिर आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है। इतना अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक शब्द जो है, या आनुवंशिकी शब्द देने वाला साइंटिस्ट कौन है? तो वो वैज्ञानिक है बैटसन। बैटसन ही फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो वो भी फादर है बैटसन। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहन मेंडल, एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन। ठीक है, ये सभी मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स जेनेटिक्स इज कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स या आनुवंशिकी किसका अध्ययन है? तो ये वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन है। ध्यान रखिएगा, जेनेटिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? हेरिडिटी की और वेरिएशन की। हेरिडिटी यानी कि वंशागति, इनहेरिटेंस। वंशागति का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण स्थानांतरित हो रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। आप देखते हो बेटा, कुछ करेक्टर आप लोगों के किससे रिजेंबल करते हैं? फादर और मदर से। तो वो कैसे आए हैं, क्या हुआ है? जेनेटिक करेक्टर ट्रांसमिट हुए हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। और ये किसके कारण होती है? जीन के कारण। फादर से मदर से कुछ जीन आपकी बॉडी में आए हैं और इस जीन के कारण कुछ चीजों में आप किससे रिजेंबल करते हो? अपने मदर और फादर से। तो ये होती है बेटा हेरिडिटी, ट्रांसमिशन होना। तो लक्षणों का स्थानांतरण हो रहा है फादर से ऑफस्प्रिंग, हो रहा है फादर और मदर से पेरेंट्स से। फिर बात करते हैं, सेकंड बात मैंने करी वेरिएशन की, विभिन्नता। विविधता जो वर्ड यूज किया जाता है जेनेटिक्स में, जो ये है विभिन्नता। और विभिन्नता का मतलब क्या होता है? विभिन्नता जब माता पिता से संतति में लक्षण स्थानांतरित होते हैं, सेम तो नहीं होते हैं, सेम पेरेंट्स की फोटोकॉपी तो नहीं होते, बच्चों में क्या होता है? अंतर होता है। एक समुदाय होता है, पॉपुलेशन होता है, वो भी दूसरे से अंतर दर्शाता है। एक ही जाति के सदस्यों में अंतर होता है, विभिन्नता जो होती है। और ये वेरिएशन जो है, विभिन्नता जो है, आपस में भाई बहन जो होते हैं वो भी एक समान नहीं होते हैं। तो कुछ करेक्टर तो सेम ट्रांसफर होते हैं और कुछ क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है? डिफरेंसेस चेंजिंग अराइजिंग ड्यूरिंग इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर। जब लक्षणों की वंशागति होती है उसी दौरान ये अंतर होते हैं। और ये अंतर क्यों होते हैं ये भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। आप लोगों ने सेल डिविजन पढ़ा था, सेल डिवीजन में मियोसिस स्टेज पड़ी थी, और मियोसिस स्टेज में आपने प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज थी पैकेटिन। पैकेटिन स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर में होता है एक्सचेंज ऑफ जीन्स, जीनों का आदान प्रदान या जीन विनिमय। तो जीन विनिमय के दौरान क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय के कारण ही क्या उत्पन्न हो जाती है? विभिन्नता, मैंने आपको बताया था वेरिएशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस डिवीजन से क्या हो रहा है? वेरिएशन, विभिन्नता आ रही है। और ये विभिन्नता किस कारण से आ रही है? क्रॉसिंग ओवर के कारण। अब हम बात करते हैं वेरिएशन की, विभिन्नता की। यहां तक की चीज आपकी समझ में आ गई। आनुवंशिकी शब्द देने वाला वैज्ञानिक बैटसन, किसका अध्ययन किया जाता है? तो वंशागति और विभिन्नता का। क्या होती है वंशागति? माता पिता से जो लक्षण संतति में आ रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। वंशागति, इनहेरिटेंस। और इस दौरान जब लक्षणों की वंशागति के दौरान जो चेंजेस आ रहे हैं, जो विभिन्नता आ रही है, वो क्या है? सब वेरिएशन से, विभिन्नता है। और इन दोनों की स्टडी किसके अंतर्गत कर रहे हैं? जेनेटिक्स के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं वेरिएशन की, विभिन्नता की। तो ये विभिन्नता दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो कंटिन्यूस या सतत परिवर्तन जो हो रहे हैं, सतत विभिन्नता, कंटिन्यूस वेरिएशन जो हो रहे हैं।
और एक आ जाता है डिसकंटिन्यूअस या असतत विभिन्नता। डिसकंटिन्यूअस यानी कि जनरेशन टू जनरेशन, हर जनरेशन के अंदर ये सतत विभिन्नता या निरंतर विभिन्नता होती है। जब भी करेक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से तो कौन सी प्रोसेस होती है, क्रॉसिंग ओवर, जो होना कंपलसरी है, होनी ही होनी है पैकेटिन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर। तो विभिन्नता होगी, बच्चे अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होंगे ही, रिकॉम्बिनेशन हो गए। तो जैसे रिकॉम्बिनेशन में ये पेन मैंने यहाँ से हटा दिया, वापस न्यू जो है वो चेंज जो है जुड़ गया, हो गया रिकॉम्बिनेशन। तो ये इस कारण से क्या होगी बेटा, वेरिएशन डेवलप होगा ही। और एक आ जाता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, इसमें क्या होता है डिसकंटिन्यूअस या असतत अनिरंतर में विभिन्नता में क्या होता है, ये अचानक मतलब जैसे 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी के अंदर अचानक से कोई म्यूटेशन हो गया। आप म्यूटेशन को पढ़ते हो प्लांट ब्रीडिंग में, अचानक ही डीएनए में कोई चेंज आ जाता है, डीएनए में कोई चेंज आ जाता है जिससे नेक्स्ट जनरेशन क्या होती है, डिफर हो जाती है, अंतर दर्शाती है। तो ये हमेशा नहीं होता है, ये हमेशा नहीं होता, 4-5 मिनट तक वही चलता रहा, फिर अचानक म्यूटेशन हो गया तो परिवर्तन आ गया। तो ये कैसा वेरिएशन है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। और ये किस कारण से होता है, म्यूटेशन के कारण। डिटेल में आप और पढ़ते हो म्यूटेशन कौन से जो होते हैं ट्रांसफर हो रहे हैं और कौन से ट्रांसफर नहीं हो रहे। बात करते हैं, समझते हैं कि जीन क्या है। अब हम क्या चीज देखते हैं, व्हाट इज ए जीन, जीन क्या है, हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जीन के बारे में समझते हैं। जीन एक्चुअली क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट, फंक्शनल सेगमेंट, डीएनए का वह खंड जो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करता है। बहुत इजी फॉर्म में देखिए, डीएनए क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड, हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट से मिलकर बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए किसका बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड का। और जीन क्या है, डीएनए, डीएनए का ही खंड है, वह डीएनए का खंड जो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो जीन भी क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक। तो जीन, व्हाट इज जीन, इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कोड्स फॉर प्रोटीन। डीएनए का वह खंड जो प्रोटीन को कोड करता है, डीएनए का वह खंड जो प्रोटीन को कोड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। अब आपको देखिए आगे चीज समझिएगा, जैसे जीन की हम बात करते हैं, ये मैंने डीएनए बना दिया है, डीएनए का ये सेगमेंट जो मैंने आपको रेड कलर के अंदर दिखाया है ये प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, जीन। और जो डीएनए के लिए कोड नहीं कर रहा है, जैसे ये नहीं कर रहा है, डज नॉट कोड फॉर डीएनए, डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन, जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहा है वो जीन नहीं है। जीन कौन सा होगा, ये जो कोड कर रहा है, जैसे इसके अंदर मैंने और बना दिया, एक और बना दिया यहाँ पर, तो ये हो गया जीन नंबर वन, ये हो गया जीन नंबर टू, और जो कोड नहीं कर रहा है प्रोटीन के लिए वह जीन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हर जीन डीएनए का बना हुआ है, एवरी जीन इज डीएनए, हर जीन किसका बना हुआ है, डीएनए का, डीएनए का वह खंड जो प्रोटीन को कोड कर रहा है। बट एवरी डीएनए इज नॉट ए जीन, पर हर डीएनए, ये डीएनए का सेगमेंट प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा है, मतलब ये जीन नहीं है, हर जीन डीएनए है। प्रत्येक जीन किस क्या है, जीन डीएनए, पर हर डीएनए, प्रत्येक डीएनए जीन नहीं है, वही डीएनए जीन है जो किसको कोड करेगा, प्रोटीन को। प्रोसेस हम क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, जीन की जब हम बात करते हैं तो डीएनए, डीएनए से किसका फॉर्मेशन होता है, मैसेंजर आरएनए का, संदेशवाहक आरएनए का। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने आपको कहा था कि अनुवादन और अनुलेखन की जगह पर आप कौन से शब्द को याद रखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। एमआरएनए से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एमआरएनए के संदेश पर, एमआरएनए में रहते जेनेटिक कोड और फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का।
प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। इंग्लिश में और हिंदी वाले दोनों बच्चे याद रखेंगे वर्ड ट्रांसलेशन, क्योंकि अनुवादन और अनुलेखन में कंफ्यूजन होता है। तो डीएनए से जो संदेश था, जो जीन थे, कहाँ पर आ गया? मैसेंजर आरएनए पर। और मैसेंजर आरएनए से हुआ कि किस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होगा, और यही प्रोटीन हमारे करेक्टर को डिटरमाइन करता है। आपके दिमाग में आता होगा जीन जो है, पहले तो दिमाग में इमेज लगाते होंगे, बनाते होंगे कि किस तरह का जीन है। तो मैंने आपको बताया वह डीएनए का खंड जो प्रोटीन को कोड कर रहा है। सेकंड चीज कि ये जीन कैसे हमारे करेक्टर को डिटरमाइन करता है। तो इस डीएनए के अंदर डीएनए किसको संदेश दे रहा है? मैसेंजर आरएनए को इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन सारी कहाँ रहती है? डीएनए में। एमआरएनए से क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन, किस प्रकार का प्रोटीन बनेगा, उसी हिसाब से करेक्टर डिटरमाइन होता है, लक्षणों का निर्धारण होता है। तो ये बात मैंने की, जीन, आपको जीन समझ में आ गया है। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं। तो तीन चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, मैंने लिख दी है, जो आपको बोला है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के पितामह कौन है? ग्रेगर मेंडल। याद रखिएगा, आनुवांशिक पितामह जिन्होंने वंशागति के नियम दिए कौन है? मेंडल, ग्रेगर, जोहान मेंडल, ग्रेगर मेंडल। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स यानी कि प्रायोगिक आनुवांशिकी। तो प्रायोगिक आनुवांशिकी के पितामह कौन है? प्रायोगिक जेनेटिक्स के पितामह कौन है? मॉर्गन। और मॉर्गन के बारे में आप जानते हो कि मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट किस पर किए हैं? फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। तो मॉर्गन ने अपने प्रयोग किस पर किए हैं? तो इन्होंने अपने प्रयोग किए हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, एनिमल जेनेटिक्स के फादर कौन है? तो वो है बैटसन। तीनों को याद रखिएगा, मेंडल, मॉर्गन और बैटसन को। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीन वर्ड किसके द्वारा दिया गया है? जीन वर्ड देने वाला वैज्ञानिक है जोहानसन ने 1909 में शब्द दिया था जीन। मेंडल ने शब्द नहीं दिया था, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट पहले कर लिए थे 18 वाले में। वर्क उसका कंप्लीटली 19वीं सदी में आएगा, पर ईयर जो था उसका, तो वो 18 वाला था, पहले था। तब मेंडल ने जीन को क्या कहा करता था? जीन वर्ड तो बाद में आया है, मेंडल उसे क्या कहा करता था जो लक्षणों का निर्धारण करते हैं? उसे फैक्टर या कारक। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, एलील या एलिलोमॉर्फ, युग्म विकल्पी क्या होते हैं? एलील क्या जीन होते हैं? मैंने आपको समझाया, अब मैं आपको बता रही हूँ एलील क्या होते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, जीन के एकांतरित रूप या थोड़े से डिफरेंट फॉर्म जो होती है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन के जो दो विभिन्न रूप है उसे हम क्या कहते हैं? एलील या एलिलोमॉर्फ, युग्म विकल्पी। क्या है एलील, इसको समझिएगा। लक्षण कोई भी करेक्टर होता है, उसके लिए कौन डिटरमाइन करता है करेक्टर को? जीन। अब जैसे करेक्टर कौन सा हो गया? हाइट, पादप की लंबाई। लंबाई कैसी होती है? जैसे मटर के पादप की जो मेंडल ने स्टडी की थी, लंबा और बोना, टॉल एंड ड्वार्फ। अब इस हाइट को कंट्रोल करने वाली क्या होती है? जीन। और इस जीन की दो फॉर्म हो गई, मतलब एक एलील हो गया टॉलनेस के लिए और एक एलील हो गया ड्वार्फनेस के लिए, बोनेपन के लिए। मतलब इस जीन की दो एलील हो गई, एक टॉल और एक ड्वार्फ करेक्टर के लिए। अब ध्यान रखिएगा, अगर जीन की दोनों एलील सेम होती है, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब जब सेम एलील होती है एक ही जीन की, जीन कौन सा था? लंबाई का जीन था। अगर दोनों एलील सेम है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। हिंदी में वर्ड आता है समयुग्मजी, यानी कि ये हमेशा कैसे होते हैं? प्योर, शुद्ध। जब दोनों सेम एलील
बोलते हैं होमोजाइगस, और अगर एक जीन की दोनों एलील डिफरेंट है तो इसको हम कहते हैं हेटरोजाइगस या विषम युग्मजी, और इसे ही कहा जाता है संकर हाइब्रिड। आ गई बात समझ में? फिर से इसको डायग्राम से समझा देती हूँ। इस कंसेप्ट को हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये कंप्लीट ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल में न्यूक्लियस है, मैंने आपको सेल में बताया था। ह्यूमन सेल में डिप्लॉइड नंबर क्या है? 46। हैप्लॉइड नंबर कितना है? 23 पेयर। मतलब हमारी हर सेल में कितने क्रोमोसोम है? 23 पेयर। यहाँ पर मैंने कितने लिए हैं? 3 पेयर्स लिए हैं। ये जो पेयर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस का मतलब क्या है? एक फादर से मिला है और एक मदर से मिला है। ये कहाँ पर होते हैं क्रोमोसोम? न्यूक्लियस में। आप सेल में अच्छी तरह से इसको पढ़ चुके हैं। अभी देखिए हम बात कर रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की। यहाँ पर मैंने क्या बना दिया है? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? समजात गुणसूत्र, जो एक फादर से मिला है और एक मदर से मिला है। ये मैंने बना दिया क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में क्या है बेटा? मेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझा है। तो ये जीन वन जो प्रोटीन को कोड करता है वह डीएनए क्या कहलाता है? जीन। ये जीन टू हो गया और ये हमने ले लिया जीन थ्री। जब एक क्रोमोसोम पर यहाँ पर जीन वन है तो दूसरा जो क्रोमोसोम है उसी पोजीशन पर एक और जीन होगा। इस क्रोमोसोम पर भी ये जीन वन है, ये जीन टू है और ये जीन थ्री है। अब ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं एलील की पोजीशन की। कैसी होती है एलील की पोजीशन? एलील तो मैंने आपको बता ही दिया, एक ही करेक्टर है, एक ही जीन की टू डिफरेंट फॉर्म है, उसे हमने क्या कहा है? एलील। तो एलील कहाँ पर होते हैं? ये सेम पोजीशन पर होते हैं। देखिए ये लोकस और ये लोकस सेम है। तो जीन की जो एलील होती है वो होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक ही पोजीशन पर या एक ही लोकस पर पाई जाती है। ध्यान रखना, एलील ऑफ जीन आर प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम सेम पोजीशन या जीन। तो एलील या युग्म विकल्पी कहां पर होते हैं? समजात गुणसूत्रों पर। ये मैंने आपको बता दिया है समजात गुणसूत्र, और समजात गुणसूत्र पर एक ही स्थान पर। इनकी पोजीशन लोकेशन पर ध्यान देना कि ये कहां पर होते हैं। समजात क्रोमोसोम पर होते हैं और कहां पर होते हैं? एक ही स्थान पर। दोनों की लोकस मैंने आपको समझा दी है। अब ध्यान देना, वापस उसी टर्म पर आ रही हूं मैं। होमोजाइगस या समयुग्मजी, क्या हो गया ये समयुग्मजी? अगर एक ही जीन की दोनों एलील सेम है तो इसे क्या कहेंगे? होमोजाइगस। यहां पर भी कैपिटल टी है और यहां पर भी कैपिटल टी है। आइडेंटिकल एलील है, सेम एलील है, तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस प्योर। और वर्ड यूज करते हैं हम हेटरोजाइगस, विषम युग्मजी। विषम युग्मजी में क्या हो गया? विषम युग्मजी क्या है? डिफरेंट एलील ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस मैंने आपको बता दिया है, जो एक फादर से मिलेगी और एक मदर से। एक पर है कैपिटल टी और एक पर है स्मॉल टी। तो एक ही जीन की डिफरेंट एलील को हमने क्या कह दिया? हेटरोजाइगस। सेम एलील को क्या कह दिया? होमोजाइगस। तो हम देखते हैं मेंडल जेनेटिक्स। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप पढ़ लेना नोट्स में से, और ध्यान देना ईयर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1856 to 63। मेंडल ने अपना काम कब किया था? 1856 से 63 तक। और ध्यान रखिएगा, सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे या सदी की हम बात करेंगे तो सदी कौन सी आ जाएगी? 19वीं सदी। मेंडल के कार्य जो है वो सारे किस सदी में हुए थे? 19वीं सदी में। फिर मेंडल एक्सपेरिमेंटेड ऑन, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए हैं? आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, 10th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, उद्यान पी या उद्यान मटर पर।
पाइसम सटाइवम, हिंदी इंग्लिश दोनों में बॉटनिकल नेम ध्यान में रखिएगा, पाइसम सटाइवम। और ये ध्यान रखिएगा पाइसम सटाइवम कौन सी फैमिली में आता है, आप लोगों को याद है लेग्यूमिनोसी, फैबेसी, और फैबेसी का उपकुल पेपिलियोनेसी जिसको हम बोलते हैं मटर कुल। पाइसम सटाइवम जिसमें क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड नंबर कितने होते हैं, 14। किसकी स्टडी की थी मेंडल ने, मटर के पौधे के कितने लक्षणों का अध्ययन किया, तो 7 करेक्टर्स का 7 लक्षणों का अध्ययन किया, या 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ट्रेट मीन्स उसके जो गुण है, जैसे हाइट का लक्षण लिया तो हाइट में ट्रेट क्या हो गया, लंबा और बोना, टॉल एंड ड्वार्फ। टोटली जो 7 करेक्टर की टेबल है, इसको नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना। और ध्यान रखिएगा सीड का डोमिनेट कलर और पॉड के डोमिनेट कलर में कंफ्यूज मत होना। सीड का डोमिनेट कलर क्या है, येलो, और पॉड का डोमिनेट कलर कौन सा है, ग्रीन। टोटल कितने करेक्टर से, 7 करेक्टर से, 2 करेक्टर सीड के लिए लिए हैं, कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड, 2 करेक्टर पॉड के लिए लिए हैं, कलर ऑफ पॉड एंड शेप ऑफ पॉड। उसके बाद में 2 करेक्टर फ्लावर के लिए लिए, पोजीशन ऑफ फ्लावर एंड कलर ऑफ फ्लावर, और 1 करेक्टर लिया है हाइट ऑफ प्लांट का। तो याद रखिएगा 7 करेक्टर से टोटल, जिसमें से 2 पॉड के हैं, 2 फ्लावर के करेक्टर से, 2 सीड के करेक्टर से, और 1 करेक्टर जो है वो है हाइट ऑफ प्लांट। और उसके बाद में उसके क्रोमोसोम नंबर जो आपको टेबल में दिए, तो आप टेबल खुद लर्न कर लेना। कल फिर से वीडियो जब देखो तो आपको क्लियर बात समझ में आए। फिर ध्यान देना कि इसमें कौन सा पॉलिनेशन होता है, पी प्लांट में नेचुरली कैसा पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब स्वपरागित पौधा है, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, और क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें इजीली कराया जा सकता है, इसको कल्टीवेट आसानी से किया जा सकता है, लाइफ साइकिल शॉर्ट है। उसके बाद में याद रखिएगा मेंडल ने जीन को, जीन मैंने आपको बताया था किसने वर्ड यूज किया था, जोहनसन ने 1909 में, और मेंडल का वर्क था 1856 से 63 के बीच में। तो मेंडल ने जीन वर्ड यूज नहीं किया था, उसने कौन सा शब्द यूज किया था, फैक्टर या कारक। अकॉर्डिंग टू मेंडल ईच करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन। मेंडल के अनुसार हर लक्षण का, प्रत्येक लक्षण का ईच करेक्टर को कौन नियंत्रित करता था, जीन। प्रत्येक लक्षण का निर्धारण जीन के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक लक्षण को कौन निर्धारित करता है, जीन, जीन द्वारा किया जाता है। ईच करेक्टर, एवरी करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन, और जीन हमेशा ऑलवेज किस में होते हैं, पेयर के अंदर होते हैं, जोड़ी में होते हैं। जैसे मेरा एक हाथ है, एक हाथ और, क्या हो गया, जोड़ी, पेयर। जीन हमेशा किस में होते हैं, जोड़ी के अंदर होते हैं। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, तो 7 लक्षण का अध्ययन किया। कितने पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, विपर्यासी गुण कितने थे, या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कितने थे, तो 7 जोड़ी थे। फल, मतलब फल ही उसका फल ही है, देखिएगा लंबाई या हाइट, हाइट का कितना करेक्टर ले लिया, 1, टॉल एंड ड्वार्फ, ये इसके ट्रेट हो गए। हाइट के बाद में बात करते हैं हम सीड की, बीज की, तो बीज के कितने लक्षण ले लिए, 2। कलर और शेप याद रखिएगा, मेंडल ने कौन सा करेक्टर चूज नहीं किया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सीड का क्या ले लिया था उसने, कलर येलो एंड ग्रीन, और साथ में क्या लिया था, शेप ऑफ सीड। याद रखिएगा शेप ऑफ सीड लिया था, साइज नहीं लिया था, राउंड एंड रिंकल्ड, गोलाकार और झुर्रीदार। पॉड जो उसकी फली है, यही आपको मालूम है पेपिलियोसी फैमिली का फ्रूट भी यही है, तो फ्रूट के कितने करेक्टर लिए थे उसने, कलर, रंग, और उसके बाद में शेप। शेप पे आपको मालूम है चपटी फली और संकीर्ण फली, मैंने आपको डायग्राम से इस चीज को समझा चुकी हूँ कि एक इस तरह की है
और एक कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये इस तरह की। उसके बाद में उसने क्या लिए थे, टू करेक्टर्स किसके लिए थे, सीड के टू करेक्टर्स हो गए, टू करेक्टर फ्रूट के हो गए, और एक दो करेक्टर्स ने और किसके लिए थे, फ्लावर के लिए थे, एक लिया था फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की स्थिति, आपको मालूम है कहाँ पर है, एक कक्षीय है और एक टर्मिनल स्थिति है, और एक उसने लिया था कलर के। मतलब अगर क्वेश्चन आता है मटर के कितने लक्षणों का चयन किया हो तो 7 करेक्टर्स का, अगर आता है मेंडल ने मटर की फली के पॉड के कितने करेक्टर का चयन किया तो वो 2 आता है। ठीक है बेटा, आगे हम बात करते हैं।